हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गिली लाल मिर्च का चटपटा ठेचा। इस तरह से चटपटा ठेचा बनाने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स प्लीज हिट द बेल आइकन। आज हम बनाएंगे मिर्च वाला ठेचा। इसके लिए हमने लिया है, ये गिली लाल मिर्च है, ये 150 ग्राम लिया है हमने। इसको अच्छी तरह धोकर इसके डंडिया तोड़ लिया है, और इसको अभी हम मिक्सर के जार में डालकर इसका दरदरा पेस्ट करने वाले हैं। इसको हम 2 पार्ट्स में ऐसे काटकर मिक्सर के जार में डालेंगे ताकि ये अच्छे से दरदरा हो जाए। हमने इसको 2 पार्ट्स में काटकर मिक्सर में डाल लिया है जार में, और ये हमने आधा लहसुन का गाठा लिया है, इसको भी ऐसे पतला पतला दो इसमें काट लिया है टुकड़ों में, ताकि ये मिर्ची के साथ अच्छी तरह पिसा जाए। कभी कभी ये खड़ा रह जाता है, तो मैंने इसको भी थोड़ा ऐसा पतला पतला काट लिया है। और इसमें थोड़ा जीरा डालेंगे हम, और इसको दरदरा पीस लेंगे। इसमें पानी नहीं डालना है। इस तरह हमने इसको दरदरा पीस लिया है बगैर पानी डाले। हमने पैन में 1 बड़े चम्मच से 2 चम्मच तेल ले लिया है, और वो तेल गर्म भी हो चुका है। इसमें डालेंगे थोड़ी राई, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, और एक कड़ी पत्ता डालेंगे 2-4। जीरा राई अभी तड़क चुका है, अभी इसमें मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। और इसको मिला लेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखना है। अगर आपको इसमें ऐसा लगता है कि तेल कम हो चुका है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो तेल। ठेचे में थोड़ा तेल ज्यादा ही लगता है, और मीडियम आंच पर इसे बनाना है, फुल आंच नहीं करना है। ये हमने दालिया लिया है, और ये तिल लिया है। इसको हमने तवे पर हल्का सा भून लिया है, और मिक्सर के जार में दरदरा पेस्ट कर लिया है अलग अलग, इसका अलग और तिल का अलग। अभी हम ये मिर्ची का स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए इसमें 1 चम्मच दालिया डालेंगे, और ये 1 चम्मच तिल का दरदरा पेस्ट। पहले मैं दालिया का डाली 1 चम्मच, और फिर बाद में तिल का। इसको मिला लेंगे। तिल और दालिया का पेस्ट डालने से बहुत दुगना टेस्टी हो जाता है ठेचा। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए हमने डाला है। और अभी हम इसमें डालेंगे ये 1 चम्मच छोटे चम्मच से शक्कर, और ये 1 बड़ा साइज लेमन जूस, स्वादानुसार हम नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच डाला है मैंने, और इसको मिला लेंगे। इसको हम 2 मिनट के लिए ढक्कन ढक देंगे, और इसको कमांच पर रखेंगे। 2 मिनट हो चुके, इसका हम ढक्कन खोल देंगे। देखिए, इसका तेल छूट चुका है इसमें से, ये अच्छी तरह पक चुकी है। अभी हम गैस बंद कर देंगे।